माता की, भारत माता की। इतनी कड़ी धूप में आप लोग यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ आए किस लिए हैं? धन्यवाद 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 मोदी जी। तो मोदी जी को जय श्री राम कहने का वक्त आ गया है। तो मोदी जी को ये पीछे वाले देखो, सारे भाई बहन मेरे बैठे हैं, जब तक हाथ नहीं उठाएगा ऐसे ही चलेगा। मोदी जी को धन्यवाद भाई धन्यवाद, धन्यवाद भाई धन्यवाद, धन्यवाद भाई धन्यवाद, धन्यवाद भाई धन्यवाद, धन्यवाद भाई धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय मंत्री और हमारी सह प्रभारी आदरणीय दीदी अलका गुजर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी यशस्वी सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व सांसद श्रीमान रमेश विधोड़ी जी, अजय महावर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष निगम के राजा इकबाल सिंह जी और उपनेता जय भगवान जी, मंच पर उपस्थित हमारे बाकी सम्मानित साथीगण, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष। और लगातार इस छोटे नोटिस पे जिन हमारे चार पांच साथियों ने ये व्यवस्था संभाली है, दिनेश प्रताप सिंह जी, ब्रजेश राय जी, किशन शर्मा जी, लता गुप्ता जी, अमित और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है। विस्तार में अभी हमारे सभी साथियों ने आपको बताया, म्यूटेशन का विषय कोई एक दिन का विषय नहीं था। मेरे गांव देहात के भाई बहन, लाखों किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस पर डाका डाल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं हम कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय उपराज्यपाल जी ने किया। और इसी तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज, अर्बनाइज विलेज, लोग अपना मकान बना रहे हैं और बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सबको लक्ष्मी दर्शन करना है। आरोप लगाते हैं कि जाइए 25,000 रुपए लेकर आइए, 50,000 रुपए लेकर आइए, तब आपको हम एनओसी दिलवाएंगे। और वो सारा गुंडागर्दी का रैकेट कौन चला रहा था? ये आम आदमी पार्टी के गुंडे विधायक, जो उसमें अपनी कमीशन और दलाली खाते थे। इसी बुराड़ी के अंदर 70,000 से ज्यादा लोग परेशान थे इस काम के लिए, इसी बुराड़ी के अंदर। और मनोज तिवारी जी बार बार हमसे एक ही बात कहते थे, हम एलजी साहब के पास गए, ऊपर भी गए, एक ही बात कहते थे कि किसी तरह से इसका समाधान निकालिए, मेरे बुराड़ी के भाई बहन परेशान हो रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल जी ने इसका फैसला लिया और गरीब और मजदूर आदमी की जो हक की लड़ाई थी वो जीतने में हम कामयाब हुए। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है और मैं सब जगह कहता हूं, इस दिल्ली का दर्द वो समझेगा जो दिल्ली को दिल से जिएगा, जो इस दिल्ली का दर्द दिल से समझेगा वो दिल्ली वालों की समस्या हल करेगा, अरविंद केजरीवाल जैसा लुटेरा हल नहीं कर सकता।
ये बैठे मेरे मार्शल भाई बीच में बैठे हैं, कल एलजी साहब से मिलकर आए हैं ये, जिसके लिए पूरा ड्रामा कल दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने रचा था। हम सब ने देखा वो ड्रामा क्या था। उनको इन मार्शलों के रोजगार से कोई मतलब नहीं था। हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये 10,000 मार्शल को निकालने का ऑर्डर किसने पास किया था? अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं। एक भी मंत्री एक भी विधायक नहीं बोलता, गूंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जिस पे इनको टर्मिनेट करने का जो लेटर है उस पे उनके वो भ्रष्टाचारी पापा ने साइन किए हुए हैं, वो साइन है अरविंद केजरीवाल के। अक्टूबर में वो साइन किया हुआ, 11 अक्टूबर को वो चिट्ठी निकली है। लेकिन अपने 2023 के, लेकिन अपने भ्रष्टाचारी पापा को बचाने के लिए सारे कूद रहे हैं। शराब की दलाली करने वाला आदमी, शराब का व्यापार करने वाला आदमी, शराब की दलाली में कमीशन खाने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ने का नाटक करता है। सही कहा विजेंद्र गुप्ता जी ने कि शीश महल अभी खाली नहीं किया है, क्योंकि शीश महल की चाबी अभी भी कलयुगी माता सुनीता के हाथ में है, वापस नहीं आई है अभी। वो जो 2 ऑटो निकले हैं वो तो ड्रामा है। शराब की दलाली करते करते 150 करोड़ के शीश महल में कैसे पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जवाब दे जनता को। दिल्ली का कोई एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लूटने का काम नहीं किया। ये 10,000 मार्शल की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भाई मेरा चिट्ठी देके गया मुझे अभी कि हम 4300 जो होमगार्ड के भाई हैं हमारी भी चिंता कर लो। और मैं यहां से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन देकर गया है, विनोद कुमार नाम है। जैसे इनकी लड़ाई जीत के आए, तुम्हारी भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी और कोई नहीं लड़ेगा। चाहे वो 10,000 मार्शल हो, चाहे 4300 होमगार्ड हो, चाहे 16,000 गेस्ट टीचर हो, या स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले मेरे एएसआई टेक्निकल कर्मचारी हो, उन सबको पक्का करने का कोई काम अगर करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली को ठगने का काम किया, सिर्फ लूटने का काम किया है। बांसुरी बहन बता रही थी बिजली के बिल के बारे में, 1% पीपीएससी चार्ज, 1% 2013 तो शुरू होता है, आज 45% तक ले गए। आपका 100 रुपए का बिल आता है उसमें 56 रुपए सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, 44 रुपए की बिजली खपत करते हैं, लेते आपसे 100 रुपए हैं। ये है अरविंद केजरीवाल का बिजली का फार्मूला। ये कमबख्त कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिलता, लोगों ने पानी के लिए हत्याएं की हैं। हाँ, दिल्ली में डूब मरने के लिए पानी है, 50 लोग इसलिए डूब के मर गए क्योंकि तुमने सीवर और नालों की सफाई नहीं की। उसके जिम्मेदार, उनकी हत्या के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल तुम और तुम्हारी सरकार है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है, आज 1.25 महीना हो गया, दावे के साथ कह रहा हूं आतिशी मार लेना, फाइल को दबा के बैठी हो तुम। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली का 25% से ज्यादा पानी खारा है। आज जो लोगों को पेट की बीमारी है, आज जो लोगों को डायरिया है, जिन लोगों के घुटने और कंधों में दर्द होता है, जिनके दांत टूट रहे हैं समय से पहले, वो सब उस पानी के कारण है जो ये दिल्ली की सरकार आपको पिला रही है। ये है दिल्ली की हकीकत। वो रिपोर्ट कहती है कि आरओ से साफ करने के बाद भी वो पानी पीने लायक नहीं है। आज मेरी झुग्गी झोपड़ी का हर भाई बहन 25-25 रुपए में जार खरीदने को मजबूर है। कहां गया फ्री पानी? आज दिल्ली की जनता को मैं यह आश्वस्त कर रहा हूं, पहला जो कैबिनेट निर्णय होगा दिल्ली में बिजली भी मिलेगी, साफ पानी भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, झुग्गी वालों को इंसाफ भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, वो हर चीज मिलेगी जिसके दिल्ली वाले हकदार हैं। सही कहा रमेश जी ने, कोई योजना बंद नहीं हो रही, उस योजना को आगे और सुंदर करके कैसे बढ़ाना है ये काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। लिख लीजिए आप, मैं कह रहा हूं आपसे, एक झुग्गी नहीं टूटने देंगे हम, बता रहा हूं मैं आपको। आज ड्यूसी वाले जाते हैं और मनीष सिसोदिया नाटक करने पहुंच जाता है, किसका है ड्यूसी विभाग जी?
अरविंद केजरीवाल तुम्हारा है, किसका है जल बोर्ड, अरविंद केजरीवाल तुम्हारा है, किसका है सीवर विभाग, अरविंद केजरीवाल तुम्हारा है, किसका है शिक्षा विभाग, किसका है स्वास्थ्य विभाग, ये सब विभाग अरविंद केजरीवाल तुम्हारे हैं, जिसके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। लूटने का काम कर रहे हो तुम दिल्ली को। इस दिल्ली को एक ऐसा विजन चाहिए जहां दिल्ली स्वस्थ हो, दिल्ली खुशहाल हो, दिल्ली के चेहरे के लोगों पर मुस्कुराहट हो, दिल्ली के लोग चैन की सांस ले सकें। आज विश्व की सर्वाधिक पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली है तो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे नकारेपन की वजह से है। आज माँ यमुना की जो हालत है देख के तरस आता है, क्यों? क्योंकि तुमने चोरी की, तुमने करोड़ों रुपए यमुना की सफाई क्यों खाए। तुम कहते हो जनता की अदालत, मैंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा तुमने इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने चोरी की है, भ्रष्टाचार की, और सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए और नया शगुफा छोड़ा है कि जनता मुझे दोबारा चुनेगी तो मैं चुन के मुख्यमंत्री बन के आऊंगा। मैं गारंटी देता हूं अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, तेरा बोरिया बिस्तर उसी दिन बांध देगी। और मैं फिर भी कहता हूं चलो बुरे से बुरा तो जीत भी गया, आएगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें क्या खत्म हो जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई है कि तू फाइल नहीं देखेगा, ऑफिस नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएंगी क्या? जब तक चुनाव आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे वो स्लेट पे दिखा, दीवार पे लिखा हुआ दिखाई देता है, लालू यादव को बेल मिली, अतीक अहमद को बेल मिली, शहाबुद्दीन को बेल मिली, अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है, लेकिन अंततः इसको जाना तिहाड़ में, क्योंकि सजा अभी बाकी है, सजा अभी बाकी है। 177 दिन रहकर आया ये, और वो भ्रष्टाचारी जो अपने आप को लक्ष्मण कहता है वो 17 महीने रह के आया है। और इनके घर जाके देखिए, मैं मीडिया से कह रहा हूं, दोनों ने एक एक बैग अपना पैक करके रखा होगा कि पता नहीं कब जाना पड़े, पता उन्हें भी है कि उनको जाना है। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है हमें क्या करना है। 15 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 साल अरविंद केजरीवाल ने लूटा, अब दिल्ली की जनता निजात चाहती है भ्रष्टाचार से। दिल्ली की जनता निजात चाहती है उस सरकार से जो उनको पल पल मरने के लिए मार रही है। एक बिजली का बिल दिखा दीजिए मुझे, एक बिजली का बिल जो बढ़ा हुआ नहीं आ रहा हो, मैं चुनौती दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल। पीपीएसी मैंने आपको बताया, डेफिसिट चार्जेस वो लगाते हैं, लोड चार्जेस वो लगाते हैं, पेंशन चार्जेस वो लगाते हैं, और एक जो चार्जेस अभी जानकारी मुझे भी बाद में मिली, रेगुलेटरी चार्जेस के नाम पे 8% टैक्स वो भी लिया जा रहा है, हर बिल से लिया जा रहा है। 2013 में अपलेट कोर्ट का ऑर्डर है कि आप नहीं ले सकते, उसके बावजूद ये ले रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारी लुटेरे आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आपका धैर्य कब जवाब देगा। अब वक्त आ गया है इनको जूते मार के भगाने का। क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारी था मुझे मालूम है, लेकिन अगर दुश्मन को जवाब देना, आज हम बुराड़ी की धरती पर खड़े हैं, बांसुरी बहन बता रही थी इंद्रप्रस्थ, इस बुराड़ी का रिश्ता महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है, इस बुराड़ी का रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है। और यहां से आज जो कार्यकर्ता जाएगा वो अपने अपने इलाके में उस लड़ाई को लेकर जाएगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़नी है, और इस अहंकारी सरकार को उतार के बाहर फेंकना है। आज हम सिर्फ धन्यवाद मोदी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की लड़ाई बहुत बड़ी है। प्रवीण खंडेलवाल बैठे हैं, हमारे व्यापारी नेता हैं, हमें इंडस्ट्रियल एरिया को फ्री होल्ड भी करना है, व्यापारियों के लिए भी सुविधाएं इकट्ठी करनी है, दिल्ली के हर वर्ग को हमने यहाँ छूना है, उसके दिल से उसके लिए काम करना है। और आज से इस रैली के बाद मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि ये विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। मुझे ये विश्वास है, मेरी ईश्वर पर आस्था मुझे सामने लिखा हुआ दिखाई देता है कि आप में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो दोनों हाथ उठा के कुर्सी से खड़े होकर एक बार जय श्री राम लगा दो। सबने खड़े होके बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने मनोज भाई को रोका था कि आप आखिर में बोलना, क्योंकि सांसद हो, इस क्षेत्र के हो, और मैंने यह भी निवेदन किया था
कि ये जो मेरे भाई बहन धूप